जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे वीडियो देखकर बहुत सारे सैनिक और पूर्व सैनिक अपनी पेंशन में हो रही गलतियों को सुधार रहे हैं। उनका जो पेंशन में गड़बड़ है, जिसकी वजह से उनका एरियर नहीं मिल रहा है, पेंशन कमा रही है, उन सभी को सुधार रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है एक नायक साहब का, जिनको MACP लागू थी लेकिन उनको नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने हमारा वीडियो देखकर CPG ग्राम में कंप्लेंट किया और उनको एरियर के साथ में उनकी MACP उनको मिल गई। तो आज के वीडियो में इस केस के बारे में चर्चा करूँगा। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और आप वीडियो को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं जो PAOR शिलोंग की तरफ से आया हुआ है और ये हमारे नायक साहब हैं, इन्होंने CPG ग्राम पर कंप्लेंट की थी, उसके जवाब में लेटर जारी करा गया है और ये 26/12/2023 को लेटर निकाला गया है। देखते हैं इसका सब्जेक्ट, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ MACP सेकेंड हवलदार ग्रेड इन रिकॉर्ड ऑफिस, रैंक नाम, डिस्चार्ज डेट 30/6/2022। ये MACP होलदार का एडजस्ट नहीं हुआ था, जो पेंशन आए थे 30/6/2012 इसके संबंध में। रिफरेंस ग्रीवेंस इन RO नायक कंप्लेंट नंबर 20/11/2023, MO लेटर नंबर ANBIB CPG ग्राम वॉल्यूम सेकंड, डेट 21/12/2023। तो इन्होंने जो CPG ग्राम में कंप्लेंट की थी उसके रेफरेंस में लेटर जारी करा गया है। विद रेफरेंस टू लेटर अबव इट इज फाउंड डेट MACP सेकंड हवलदार ग्रेड RO नायक श्री 2/2/2011 वाज ऑलरेडी एडजस्ट बाय ऑफिस एंड एरियर ₹13,664 अगेनिस्ट द MACP हवलदार क्रेडिट इन MPS 4/2012 अटैच हेयर विद। MACP सेकेंड होलदार ग्रेड के लिए जो कंप्लेंट मिली थी तो उनका एरियर एडजस्ट कर दिया गया है 2/12/2011 से और उनका एरियर 13,664 एडजस्ट कर दिया गया है। द डेटा शीट फॉर अपडेशन ऑफ पे डिटेल हैव बीन शेयर्ड विद द स्पर्श सेक्शन फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। और डेटा शीट स्पर्श को भेज दी गई है अगले एक्शन के लिए। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा किस प्रकार से हमारा वीडियो देखकर हमारे पूर्व सैनिक जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों को जान रहे हैं। हमारे इन पेंशनर ने हमसे बात की, हमने इन्हें बताया CPG ग्राम पर कंप्लेंट डालने के लिए, इन्होंने CPG ग्राम पर कंप्लेंट डाली, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और जिनको MACP होलदार का फ़ायदा नहीं मिल रहा था वो फ़ायदा मिलना शुरू हो गया और साथ में इनको एरियर भी दिया गया। तो सैनिक भाइयों, अगर आपकी भी पेंशन ठीक नहीं आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमसे बात करें, हम आप लोगों की कंप्लेंट डलवाएंगे ताकि आपकी भी पेंशन भी ठीक प्रकार से आ सके। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।